हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल टेक्निकल। तो आज का वीडियो ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दो महीने पहले मैं जो बोया बाई एम वन माइक खरीदा था ना, वो दो महीने के बाद मैं आज आपको रिव्यू दूंगा और कैसा मुझे परफॉर्मेंस मिला है, कैसा मुझे प्रोडक्ट लगा है, मेरा ओपिनियन क्या है, सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि आप आज का वीडियो क्यों देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आप अगर एक यूट्यूबर हो तब तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और हो सकता है कि आप फ्यूचर में भी यूट्यूबर होने वाले हो, मतलब फ्यूचर में आप चैनल क्रिएट करने वाले हो तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ यूट्यूबर ही नहीं, आप अगर कुछ सिंगर हो, गाना वगैरह करते हो तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप जर्नलिस्ट या कुछ खबरी वबरी हो तो भी खबर पढ़ने में भी इसको काम आता है। और जहाँ पर भी ऑडियो का फंक्शन है ना, वहीं पर ये माइक काफ़ी यूज होता है और ये बहुत ही पॉपुलर एक मॉडल है। तो मैं चाहता हूँ कि आज का वीडियो आप पूरा देखो, क्योंकि इसका जो रिव्यू है ना ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये माइक का मॉडल जो है बहुत ही पॉपुलर है और बहुत सारे लोगों ने जो है यूज़ करते हैं। ऐसे कि आप टेक्निकल गुरुजी को भी देखेंगे ना तो वो भी बोया बाई एम वन यूज़ करता है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के साथ सिर्फ अंत तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल को भी दबा देना, और वीडियो को अगर अच्छा लगा तो अपनी तरफ से एक लाइक और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो चलिए आज कुछ अलग सीखते हैं। तो ये रहा हमारा माइक, बहुत छेड़छाड़ हुआ है इसके साथ, फिर भी बहुत अमेजिंग तरीके से जो टिका हुआ है। तो मैंने टेलीग्राम पर एक जो पूल डाला था, वहाँ पर आप लोगों ने वोट दिया और कहा कि हाँ भाई लेके आओ, दो महीने के बाद बोया का माइक का रिव्यू लेके आओ। तो आप देख सकते हैं मैंने जो लेकर आ गया। तो चलिए बात करते हैं कि दो महीने के बाद कैसा काम कर रहा है माइक, और बहुत कुछ और भी बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका लाइव प्राइस। तो फ्लिपकार्ट में जो लाइव, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज फ्लिपकार्ट में लाइव प्राइस है 950 रुपीज के आसपास में, तो बहुत ही कम प्राइस है फ्लिपकार्ट में, और अमेजोन में उससे भी थोड़ा जो है ज़्यादा। तो फ्लिपकार्ट का स्क्रीनशॉट आप साइड पे देख सकते हैं, और पहले जब मैं माइक खरीदा था तब 1500 रुपीज के आसपास में था। तो चलिए आप बात कर लेते हैं इसके पैकेट के बारे में। तो ये जो पैकेट है ना, जो काफी लो क्वालिटी का है, जैसे कि पैकेट उतना अच्छा क्यों चाहिए वो भी एक बात है। तो ये मुझसे जो है टूट गया है पैकेट, आप देख सकते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं, ये उतना काम के नहीं। और उसके साथ यहाँ पर मिला था एक यूजर गाइड जो कि मुझे जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। तो इसे चाहे तो आप जो है किताब पढ़ सकते हैं, आप जो है एग्जाम नहीं होगा इसको पढ़ के, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर एक कार्ड वगैरह था किस तरह से यूज़ करता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर कुछ जो इंस्ट्रूमेंट भी दिया गया था, जैसे कि बैटरी हो गया, कुछ ऑडियो जैक वगैरह, और यहाँ पर और भी कुछ चीज़ है, और यहाँ पर हमारा माइक, ठीक है। और यहाँ पर एक जो है माइक का कवर दिया गया था, ठीक है। तो इसको हम साइड पे कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं माइक की वायर के बारे में। तो माइक के आप जो वायर है ना, ये आप देख सकते हैं कि 20 फीट का है। ये जो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग बात है और काफ़ी जो यूज़फुल है, आप अगर कुछ भी DSLR से शूटिंग वगैरह करते हैं तो आपको ये जो बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि जो 20 फुट का यहाँ पर वायर मिलता है और काफ़ी दूर दूर तक घूम के आप जो है यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो काफ़ी यूज़फुल इसका वायर दिया है 20 फीट का। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ इसका साउंड रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसका जो साउंड रिकॉर्डिंग है ना, अमेजिंग है, मतलब एकदम अमेजिंग। तो साउंड रिकॉर्डिंग में इसका जो है कोई भी दिक्कत नहीं है, काफ़ी अमेजिंग जो साउंड रिकॉर्डिंग करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि नॉइज़ के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉइस फिल्टर, यहाँ पर एक वॉइस फिल्टर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो वॉइस फिल्टर है, इसको आप चाहे तो लगा भी सकते हैं, और मैं नहीं लगा कर भी जो ज़्यादा यूज़ कर लेता था, तो इसको यहाँ पर इस तरीके से जो लगा भी सकते हैं, और आप चाहे तो नहीं भी लगा सकते, ठीक है। तो ये काफ़ी शानदार नॉइस कैंसिलिंग करता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो ये माइक इसके लिए जो पॉपुलर हुआ है कि ये जो है अमेजिंग नॉइस कैंसिलिंग करता है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे टेक्निकल गुरुजी, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर भी ये सेम माइक यूज़ करता है। तो ये जो पॉपुलर इसलिए हुआ है कि ये जो अमेजिंग नॉइस कैंसिलिंग करता है। मैंने भी देखा है कि मैं जहाँ पर वीडियो शूट करता हूँ वहाँ पर जो बहुत ही नॉइज़ होता है, फिर भी जो बहुत ही क्लियर वॉइस देता है माइक। तो काफ़ी शानदार लगा है माइक मुझे, ठीक है। नॉइज़ कैंसिलिंग में सच में ये जो अमेजिंग है। तो चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं कि बैटरी के बारे में। तो बैटरी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अभी तक जो है यूज़ ही नहीं किया है बैटरी। तो मैं आपको बोल दूँ कि बैटरी इसमें जो है ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते हैं ना तो आपको जो बैटरी का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए देखिए यहाँ पर इस तरह से जो है बैटरी यहाँ पर लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर और भी एक बात है, कैमरा ऑन स्मार्टफोन के लिए यहाँ पर जो है एक मूड है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि अगर आप मोबाइल से शूट करते हैं ना तो आपको जो बैटरी की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप बैटरी नहीं डाल के भी शूट कर पाएंगे, साउंड अमेजिंग तरीके से रिकॉर्ड कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कैमरा यूज़ कर रहे हैं या कंप्यूटर में, अगर लैपटॉप में अगर आप यूज़ करते हैं साउंड रिकॉर्डिंग का, तो आपको जो बैटरी डालना पड़ेगा। तो स्मार्टफोन के लिए यहाँ पर बैटरी की कोई जरूरत नहीं है। तो ये था कुछ बात, और बैटरी मैंने यूज़ भी किया था कुछ दिन, कंप्यूटर लैपटॉप पर चलाया था, तो बैटरी के कुछ भी दिक्कत नहीं आया। तो मैं शायद 4-5 दिन यूज़ किया था, तो उसमें दिक्कत आने वाली कोई भी बात नहीं। तो काफी शानदार है बैटरी की, बैटरी का रिव्यू जितना दूर मैं जानता हूं 6-7 महीना जो है चल जाता है, ठीक है। तो काफी शानदार है, यहाँ पर दो मूड भी आपको मिल जाता है, और काफी शानदार नॉइस कैंसिलिंग के साथ वॉइस रिकॉर्डिंग आपको मिलता है। तो ये था हमारा माइक, और यहाँ पर ऑडियो फिल्टर भी मिलता है। और यहाँ पर इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि ये जो क्लिप यहाँ पर आपको देख रहा है ना, ये काफी सख्त है, काफी मजबूत भी है, और ये पूरा लोहा का बना है, आप देख सकते हैं बहुत ही सख्त है। तो ये जो काफी एक क्लिप मुझे काफी शानदार लगा, क्योंकि ये जो टूटेगा नहीं है इतना आसान तरीके से, टूटेगा नहीं, तो काफी सख्त है, काफी मजबूत भी है। तो ये चीज भी मुझे
काफ़ी अच्छा लगा इसका। और अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर आपको 3.5 mm का जैक भी मिल जाता है, जिसको आप मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, कैमरा और भी कोई तरह तरह की ऑडियो की चीज़ जो है आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो आप जो आप अभी जो मेरा वॉइस सुन रहे हैं ना, ये जो है मेरा मोबाइल के माइक से है, तो अब मैं आपको कनेक्ट करके इसका जो है वॉइस सुना देता हूँ। ठीक है, तो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इस माइक को। आप अभी जो आप वॉइस सुन रहे हैं ना, वो इस माइक से सुन रहे हैं आप। ठीक है, तो कैसा वॉइस आ रहा है वो आप अंदाज़ा लगा भी सकते। तो आप बात कर लेता कि माइक एक्सपीरियंस के बारे में, मतलब मेरे को कैसा लगा है माइक। तो सबसे पहले मैं बताऊँ, इसका जो वॉइस नॉइज़ कैंसिलिंग है ना, ये काफ़ी शानदार है, सच में काफ़ी शानदार है। मैंने बहुत सारे रिव्यू में देखा था लेकिन मुझे कुछ विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन मैं खरीदा उसके बाद यूज़ करने के बाद सच में जो नॉइज़ कैंसिलिंग में सच में ये जो बहुत ही अच्छा है। और इसका क्लिप जो यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी शानदार है क्लिप, ये भी मुझे काफ़ी शानदार लगा। और इसका और भी एक प्लस पॉइंट है कि इसका वायर जो 20 फीट का वायर दिया है, जो काफ़ी दूर दूर तक आप जो घूम के इसके साथ आप DSLR के साथ जूम वगैरह करके कैमरा में आप अच्छी तरीके से इसमें रिकॉर्ड कर पाएंगे। और अगर आप कुछ खबरी वबरी है जर्नलिस्ट वगैरह, तो आपको जो घूम घूम के बहुत दूर दूर से रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो आप इसमें जो है बहुत सारे यहाँ पर वायर आप देख सकते हैं, इसको खोलकर आप जो है लगाकर बहुत दूर दूर से घूम कर ईजिली कर पाएंगे ए रिकॉर्ड। तो ये काफ़ी कुछ इसका जो प्लस पॉइंट है। इसका नेगेटिव पॉइंट मुझे पता नहीं है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये मैं कह सकता हूँ कि इतना बड़ा जो वायर है ना, जिन लोगों को जरूरत नहीं पड़ता उन लोगों को जो है कुछ काफ़ी प्रॉब्लम आ सकता है इसमें, क्योंकि इस तरीके से जो यहाँ पर जो है मुझे करके रखना पड़ता है, उसके बाद इसको जो छोटा करके यूज़ करना पड़ता है। तो यही है, और कैरी करना भी मुश्किल होता है इतना बड़ा जो है वायर। तो मैं यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर सख्त करके बांध लिया हूँ यहाँ पर वायर को, और उसके बाद मैं इसको छोटा करके यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ये इसका एक जो प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट आप जो भी चाहे कह सकते। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू, दो महीने के बाद मैंने आपको रिव्यू दिया, और अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाया था, वो भी चाहे तो देख सकते। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताया, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उसके साथ भी शेयर कर देना अमेजिंग ऑफर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स का सब वीडियो, और कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हैं, और आज के राय भी आप कमेंट पर बता दीजिए। तो आज के इतने फिर मिलेंगे, बाय बाय।